नमस्कार, आप देख रहे हैं एसईओ न्यूज बिहार। जिस तरह से आज दिन भर और कल से ओसामा साहब के नाम लेकर चर्चा चल रही थी कि उन्होंने जाकर मोतिहारी रानी कोठी में फायरिंग की है और मारपीट की और 1 करोड़ रुपया की रंगदारी की मांग की है, इसके बाद जैसे जैसे खबर मिली कि सिवान के कुछ लोग गए थे वहाँ पर रंगदारी मांगने और तोड़फोड़ किए हैं, ताकि वहाँ पर जो शहाबुद्दीन साहब के समधी हैं उनके घर से उनके भाई के घर पे यानी चचेरे भाई के घर में आपसी विवाद था, जमीन को लेकर इश्यू को लेकर झगड़ा था। उस झगड़े में ओसामा साहब भी पहुँचे हुए थे और लड़ाई लड़ रहे थे और बोल रहे थे कि मैं शहाबुद्दीन का बेटा हूँ, ये लगातार ये खबरें चल रही थी। इसी मैटर पे जब हिना साहब से कॉलिंग पे बात किया गया और उनसे जानना चाहा गया कि आखिर क्या मैटर है सिवान के लेकर, जिस तरह से उनके बेटे यानी ओसामा का नाम उछल रहा है, इस पर हिना साहब बेबाकी से अपने राय रखी और बेबाकी से अपने बातों के बताई और एक साक्ष्य प्रमाण भी दी, जिससे इसे साबित होता है कि एक इंसान आखिर दो जगह कैसे रह सकता है। जो साक्ष्य की हम बात कर रहे हैं उस साक्ष्य ये है कि उन्होंने एक होटल का पेपर प्रोवाइड की है जिस होटल में ओसामा साहब ठहरे हुए हैं। इससे ये साबित होता है कि ओसामा साहब 3 से 4 दिन से वो दिल्ली में मौजूद हैं, फिर मोतिहारी कैसे पहुंच जाएंगे, एक व्यक्ति जो दो जगह इससे कैसे रह सकता है। तो इसे साफ जाहिर हो रहा है कि ये गलत ढंग से FIR में नाम दर्ज किया गया है। इस पर हिना साहब ने कही है कि मैंने पुलिस प्रशासन से मांग की हूँ कि सही से जाँच की जाए और जो गलत ढंग से FIR में जो नाम दिया गया है उस व्यक्ति का नाम हटाया जाए, हमारा बेटा इसमें सम्मिलित नहीं है, गलत ढंग से उसका नाम डाला गया है, मैंने प्रशासन से खुद कॉल करके बात की हूँ कि नाम हटाया जाए। वहीं हिना साहब से पूछा गया कि जिस तरह फुटेज खंगाला जा रहा है उसमें एक व्यक्ति यानी पचरुखी के रहने वाला औरंगजेब की गिरफ्तारी हुई है, इस पर हिना साहब ने बोली है कि हमारे चाहने वाले लाखों हैं, किसका मैं ध्यान रखूँ किसका ना रखूँ। वहीं हिना साहब आगे बताई कि ये हमारे जो समधी हैं जहाँ पर हमारा बेटी की शादी हुई है उनके घर से और उनके पड़ोसी यानी उनके भाई से लफड़ा है, इसमें हम लोगों का कोई दखल नहीं है, वो लोग का पारिवारिक मामला है, इसमें हम लोगों का कोई दखल नहीं है। लेकिन जिस तरह से FIR करके जिस तरह से डैमेज किया जा रहा है, ओसामा साहब का नाम लिया जा रहा है, जिस तरह से ये उचित नहीं है। लेकिन वहीं हिना साहब आगे बोली कि हम लोग का पूरा पूर्ण रूप से विश्वास है, भरोसा है कि जिस तरह से गलत ढंग से नाम दिया गया उस तरह नाम हटाया जाएगा। इसके पहले भी ओसामा साहब पर एक मामले में FIR दर्ज हुआ था लेकिन हिना साहब सामने नहीं आई थी, लेकिन ये पहली बार है कि हिना साहब खुद सामने आई और मीडिया में फ़ोन के माध्यम से सफाई पेश की है कि सरासर गलत है, ये गलत ढंग से ओसामा साहब का नाम उस FIR में दर्ज किया गया है। बने रहिए हमारे साथ, जो भी ऐसी खबर होगी सिवान की हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर हमारा इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान।